हेलो एंड वेलकम टू फोनलेस दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो में किस तरह से बटन्स को कस्टमाइज़ करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने कुछ टास्क छोड़ दिया था, बटन को कस्टमाइज़ करना था उसमें, और साथ ही साथ इमेज के बैकग्राउंड में ये सर्किल टाइप का वाइट बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए एंड्रॉयड स्टूडियो पर। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में हमने वही प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इतना काम हमने किया था पिछले वीडियो में। अब मेन चीज़ जो इस वीडियो में हमें सीखनी है वो है बटन को कस्टमाइज़ करना, किस तरह से हम इस पर रेडियस दे सकते हैं, कलर्स वगैरह कैसे मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस इमेज व्यू यानी इस लोगो का बैकग्राउंड हम किस तरह से देंगे जो कि सिर्फ इसी लोगो के एरिया में ही रहेगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो इसके लिए आपको लेफ्ट साइड में ड्रॉएबल पर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, उसके बाद फिर ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, इसमें जाने के बाद आप नाम दे दें जो भी नाम देना आपको। तो फॉर एग्जांपल हम लोग अभी बटन पर वर्क करेंगे, तो बटन स्टाइल इसे हम नाम दे देते हैं बटन स्टाइल। यहाँ पर जो रूट एलिमेंट है उसे हमें शेप लिखना है, शेप लिख दिया हमने, अब ओके कर देंगे। अब यहाँ पर एक बटन स्टाइल आ चुका है, यहाँ पर शेप है, तो हमें करना यह है कि यहाँ पर क्लिक करके पहले नीचे आना है, यहाँ पर हमें लिखना है शेप, और शेप हमें देना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हो गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे कलर देना है। तो कलर के लिए हम लोग लिखेंगे सॉलिड, स्पेस देंगे तो ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड कलर आएगा, एक्सेप्ट करेंगे, और कलर देंगे कलर प्राइमरी, क्योंकि हमारा जो कलर है वो यही है, हमने कलर प्राइमरी में सेट कर लिया इसे। आप किसी भी कलर में यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली इसे क्लोज करेंगे, क्लोज कर दिया हमने। अब क्या करना है, अब इस पर हमें रेडियस देना है। तो रेडियस देने के लिए भी हमें उसी तरह से करना है, यहाँ पर कॉर्नर्स वाले को एक्सेप्ट करना है, कॉर्नर्स स्पेस देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड रेडियस आ जाएगा। एंड्रॉयड रेडियस को एक्सेप्ट करें, 20 dpi का हम लोग देंगे रेडियस इसमें। तो इधर आप देख सकते हैं प्रीव्यू में दिखने लगा, रेडियस मिल गया और हमारा बटन जो है वो कस्टमाइज़ हो चुका है। अब हम इसमें कैसे लगाएंगे इस बटन में, तो सिंपली हमें करना ये है कि बटन को सेलेक्ट कर लें, इधर लेफ्ट साइड में जहाँ पर आपने बैकग्राउंड दिया था वहाँ पर से कलर को हटा दें, और कलर के जगह पर हम लोग सिंपली टाइप करेंगे बटन स्टाइल, और यह हमारा बटन बन चुका है। आप देख सकते हैं बटन रेडियस वाला बन चुका है, जैसा कि हमारा डिज़ाइन में था। तो इस तरह से हमने बटन को बना लिया। सेम यही चीज़ आपको नीचे वाले बटन में भी करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो बैकग्राउंड है वो लाइन कॉपी कर लेंगे, और ये जो रजिस्टर बटन है उस पर क्लिक करेंगे, ये बैकग्राउंड वाले लाइन को सेलेक्ट करके डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे यानी पेस्ट कर देंगे। तो होगा ये कि ये बटन भी अब हमारा उसी टाइप से हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है, कुछ वजह से हुआ नहीं है, तो एक बार एक और काम करेंगे हम, एक बार फिर से इसे मिटा करके बटन स्टाइल देंगे, अब हो गया। तो कुछ वजह से ये रिफ़्रेश नहीं होता है कभी कभी, तो डोंट वरी, आप दोबारा से उससे मिटा करके फिर से कर सकते हैं। अब बात आती है इस स्टेटमेंट के लोगों में, हम इस तरह का ये जो बैकग्राउंड में इसका दिख रहा है वाइट, इस तरह का हम कैसे देंगे। तो उसके लिए भी हम लोग जाएंगे ड्रॉएबल पर, राइट क्लिक करेंगे इस पर, न्यू, उसके बाद ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल। अब चूँकि इमेज का ये बैकग्राउंड है इसीलिए हम लोग इमेज बीजी इसे नाम दे देते हैं। रूट एलिमेंट यहाँ पर भी आपको शेप देना है, शेप देने के बाद ओके कर दें। यहाँ पर इमेज बीजी डॉट XML आ चुका है, यहाँ पर इंटर करेंगे आप, शेप लिखेंगे और पहला ऑप्शन जो है उसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर ओवल सेलेक्ट करना है आपको, तो ये जो शेप होगी वो ओवल होगी क्योंकि हमें सर्किल का बैकग्राउंड चाहिए। अब हमें यहाँ पर सॉलिड लिखना है, स्पेस देना है, एंड्रॉयड कलर, और कलर हमें वाइट रखना है, तो वाइट कलर जो मैंने दे रखा है कलर एसेंट को वही एक्सेप्ट करेंगे। आपने नहीं दिया है अगर अभी तक कलर अपना चेंज नहीं किया, तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ में जाकर के कलर्स डॉट XML में आप अपने वैल्यू सेट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको ऐड करना है, सिंपल है। तो अब हमने यहाँ पर कलर एसेंट दे दिया, इसे सिंपली क्लोज कर देंगे, इसमें अब कोई चीज़ नहीं देनी हमें। अब सिंपली एक्टिविटी मेन में आएंगे, ये इमेज हमारा सेलेक्टेड है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप करेंगे और बैकग्राउंड देंगे इमेज बीजी। अब सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल सिमिलर हो चुका है,
जस्ट लाइक डिज़ाइन। और हमने सीख लिया है किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं बटन्स को, किस तरह से इमेज में बैकग्राउंड देते हैं या फिर किसी भी चीज़ में किस तरह से शानदार बैकग्राउंड देते हैं। अब रही बात कि ये जो लोगो है वो बिल्कुल हमारा जो सर्कल है उसके करीब पहुँच चुका है। अब इसे कैसे हम लोग थोड़ा छोटा करेंगे लोगों को? तो लोगों को छोटा करने के लिए आपको करना यह है कि इस इमेज में पैडिंग देना है। पैडिंग हम लोग देंगे 12 dpi का और ये काफ़ी शानदार लग रहा है। तो इस तरह से हमारा लोगो भी सेट हो गया, बैकग्राउंड भी एक सर्कल मिल गया, बटन में भी रेडियस मिल गया और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इसी तरह से हम लोग डिज़ाइन करते हैं बटन्स को, इमेजेस में बैकग्राउंड देते हैं, लोगों में बैकग्राउंड देते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, प्रीवियस वीडियो भी देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप इस तरह का डिज़ाइन बनाना सीख लेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।